आज मैं आपको इंडस्ट्रियल एंड लेवल ला का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि यहीं से 80 प्लस के लिए आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधान क्या है, क्या पर्याप्त है, प्रभाव को बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 में वर्णित प्रावधानों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कल्याण से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, कारखाना अधिनियम में श्रम कल्याण संबंधी प्रावधानों को वर्णन कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित करने वाले चिकित्सक कौन होते हैं, इसके क्या कर्तव्य है, स्पष्ट करो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के उद्देश्य कार्य क्षेत्र को बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया को स्पष्ट करो या आप क्या समझते हैं, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कल्याण से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, इसका महत्व बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाना में कार्यरत बाल एवं महिला श्रमिकों को कार्य घंटे में निर्धारित के क्या नियम है, स्पष्ट करो। दिखा तो। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवादों को रोकने एवं निपटारा करने के लिए किस तंत्र की स्थापना की गई, विवेचना कीजिए। आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम न्यायालय क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। श्रम न्यायालय क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छटनी की क्षतिपूर्ति के संबंध में क्या व्यवस्था है, श्रमिकों की छटनी तथा छटनी किए गए श्रमिकों की पुनः नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाइए। आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवाओं शब्द को परिभाषित कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रत श्रमिक को परिभाषित एवं स्पष्ट कीजिए। आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़ताल तथा तालाबंदी से आप क्या समझते हैं, हड़ताल एवं तालाबंदी में अंतर स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार हड़ताल निषेध करने से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम संघ की परिभाषा दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अधीन एवं श्रमिक मजदूरी में की जा सकने वाली तथा ना की जा सकने वाली कटौतियों की विवेचना कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी भुगतान समय में संबंधित नियम को बताइए। मजदूरी भुगतान के समय में संबंधित नियमों को बताइए। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्या है, स्पष्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोक्ता को परिभाषित कीजिए, कर्मचारी की भी परिभाषा दीजिए, यानी नियोक्ता से आशय एवं कर्मचारी की परिभाषा स्पष्ट करो। आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक श्रमिक को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि की गणना एवं वितरण संबंधी प्रावधानों को समझाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक अयोग्यता तथा पूर्ण अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूरक के संबंध में नियोक्ता के दायित्व को समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बुक में टिक मार सकते हैं। ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ 80 प्लस के लिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे ठेका श्रम से। तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, ठेका श्रम से आशय एवं विशेषता स्पष्ट करो, या पूछ सकता है केंद्रीय परामर्श बोर्ड का संगठन तथा कार्य बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेका श्रम विनियोग उत्पादन अधिनियम 1970 के अंतर्गत निम्नलिखित के बारे में क्या प्रावधान है, अपराधों का संज्ञान कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, औद्योगिक सहयोग जन स्वामी आदेश अधिनियम 1946 के उद्देश्यों एवं क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्थायी आदेशों की अस्तित्व अवधि का संशोधन के बारे में विविध प्रावधान बताइए या औद्योगिक संयोजन क्या है एवं इसके नियम को स्पष्ट करो। जो भी क्वेश्चन बताया आपको यही से 80 प्लस के लिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे औद्योगिक एवं श्रम विधियों में, जो इस सब्जेक्ट में आपको 80 प्लस के लिए बता दिया गया है। आप अपने बुक में जाइए, वहाँ टिक मार सकते हैं इस क्वेश्चन को जो है, और आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर अपने प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं किस टाइप का पेपर आता है। धन्यवाद दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे मैं इससे नई से नई अच्छी वीडियो लाता रहूँ आपके लिए।